और भगवान भोलेनाथ को केवल झूठ पसंद नहीं है, बस तो कभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में झूठी ने बोली होगी, खबर राखी को अगर झूठी बोलो तो अगल बगल देख लीजिए पिंडी तो नहीं जान, खबर राखी को नाम नहीं जाने। शिवजी के मंदिर में झूठ नहीं बोलना है, मैया सती ने झूठ बोल दिया, शिवजी ने त्याग कर दिया, अब मैया सती और वे शिवजी चले गए कैलाश, अब ये दो याद नहीं, पति पत्नी। सो मैया सती ने सोची कि ऐसी हमने कौन सी गलतियां कर दी, ढंग से बोला ही नहीं गए, जबकि पति पत्नी की लड़ाई तो देखो रोज होती, नहीं होती और रोज राजीनामा होता, कितनी सी लड़ाई पति पत्नी की जब लड़ाई होती है, कबू कबू तो ऐसा लगा थे कि क्या तो ये काज रहे है ही नहीं, जब भी दो जने लड़ा था खा ले तुम हमें मोरा ले मार जैसो फिर क्यों फिर सही माए घर वालों कहे हम एक आदना फांसी टांग है हाओ फिर जे सब साफ तुम कर लीजो। सो जोन जी पूरा पड़ोस के सुना था उनको ऐसा लगा थे कि पक्का जी अब ने रहे, आधा घंटा बाद दो जने कहते तुम चाय पियो तो हम बनाए, राजीनामा में भी देर नहीं लगे, पति पत्नी की लड़ाई होत कितनी है। अच्छा कबू कबू जब लड़ाई में तुक बिगड़ा था जब देखो तुम, जब लड़ाई में तुक बिगड़ा था, अच्छा जब पति पत्नी को बेरबंद हो तो पता है पहल से को बोला था, पता है हम बताएं दे रहे कितना लड़ाई हो दो आदमियों की, पहली बात तो होता ही नहीं, 8 बजे लड़ पड़ा था चाय पे हो और 2 बजे राजीनामा हो जाते, ऐसी पति पत्नी की लड़ाई हो, योग पति पत्नी हो तो आज जैसे बहुत ही लड़ाई चले तो 2-4 दिन सुबह भी लड़ाई ऐसी चलत है, पत्नी ने बनाई रोटी पति मो नहीं बोल रहा हो, वो की नहीं मिल रही बुस्कट साइट नहीं मिल रही, अब हमें तो बुस्कट ही के आई हम का करें, हम मुदिल खंडी याद नहीं, हमें ज्यादा खबर भी नहीं देता, हम तो अब ठट सुधे बुंदिल खंडी है यहाँ भी, अपनी भाषा को एक सुखा लगे, अब वो नहीं मिल रही होगी साइट बोला थे नहीं, माए पत्नी भी जान रही कि फिर हो गई, अब वो पूरा पता के कहां धरी मन पत्नी ने हमसे नहीं बोलो, तो ऐसी इनकी लड़ाई चला था, राजीनामा पता कब हो था, घर बारो ने बोल रहा हो और पत्नी खूब आगे पीछे हो रही हो, आप थूक देखो संजू का चुके आई सुके आई अब न कर है ऐसो बैसो, और घर बारो नहीं बोल रहा हो, दो जनों को बंद हो तो बेर घर बारो बैठो तो बाहर पत्नी कर रही थी भीतर काम जो फूपाया गए, सो घर बारे ने सोची जी और आज आई खो बैठी थी अब आई के बोरा आई है अब आई के जी चले जा रहा है, अब चाय की तो कहने पर घर वाली से चाय बना दे फूप आया है, घर वाली ने भी देख लो के बेद गए, अब बेद गए अब चाय की तो हम ही थके हो, सो घर वाली और अपने कछु और काम में लग गई, सो जे पीछे से गए सो कहने लगी जाया कह रहे थे कि तुम एक कप चाय ना बना दी फूप आया है, सुबह कहने लगी चाट ले चाट ले फूफा आए हैं, फूफा ने भी सुन ली कि बहू कह रही चाट ले, सो फूफा कहने लगे परसों आएंगे आज तो हमें चाय पीने ही नहीं है, ऐसी में बोलने पड़ा थे पति, अच्छा कमू कमू तो कैसी बिगड़त को पत्नी ने बोले, अब पति खूब कह रहा हो कि यार आप चलो धोखे में कह आई यार भज जाए तुम काय को नाराज हो रही जो उनको मायके से भज जाए आ जाए, फिर पति जान जात के हैं अब बेद बेद सो पत्नी के का एको भैया के संग रोटी खा ले हम नहीं खाने चूल्हे बंधर दे, फिर पति के ठाठ होते हैं ये योग दाम्पत्य की पराकाष्ठा, योग पति पत्नी हो तो इनमें तो होता है, मैया सती बोली यार ऐसी कैसी लड़ाई आए के बोला ही नहीं गए, ऐसी कैसी लड़ाई आए बोला ही नहीं गए, क्या करें। मैया सती ने खूबी उत्ती लगाई पर शिव जी समाधि में बैठ गए, तो मैया सती ने फिर जैसे विचार बनाया कि का करें का न करें कैसे क्या करें, शिव जी ने मैया सती विचार कर रही कह रही राम, फिर मैया सती को खबर आई कह रही यार हमने राम जी की परीक्षा लाई है इस यहाँ जी नाराज हो गए हमसे, सो मैया सती ने राम जी को बुला दो कैलाश पर, रघुनाथ जी आए मैया सती ने कही कि तुम्हारे पीछे हमारी लड़ाई हो गई हमारे घर बारे हमसे बोल नहीं रहे, सो राम जी कहने लगे हम का करने लगे, सो मैया सती कहने लगी हमारा राजीनामा कराओ, राम जी बोले कैसे राजीनामा कराएं, तो मैया सती ने कहा कि जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरती हरण वेद जस गावा तो मैं बिना है करूं कर जूरी छूटे वेग देह है मोरी, या तो हमारा पति हमारा राजीनामा।